मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। गुना जिले में केवल 6 घंटों की तेज बारिश ने रेलवे ट्रैक और रास्तों को पानी में डुबो दिया है। नदी और नाले उफान पर हैं, जिससे निचली बस्तियों में जलभराव हो गया है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 अगस्त से प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव आने की संभावना है, जिसमें बारिश की तीव्रता में और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने संकेत दिए हैं कि विभिन्न स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण आगामी 2 से 3 दिनों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 19 अगस्त से पूर्वी हिस्सों में लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने के कारण जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिस्सों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। आगामी समय में भिंड, मुरैना और ग्वालियर जैसे जिलों में बिजली के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा श्योपुर, कूनो, शिवपुरी, दतिया और रतनगढ़ में मध्यम बारिश का अनुमान है। बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, पेंच, सिवनी, बालाघाट और बुरहानपुर में हल्की बारिश होने की संभावना है। खंडवा जिले में देर रात बारिश हो सकती है। इस बदलते मौसम और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के चलते बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित और सटीक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह समय जब प्रशासन और जनता दोनों को मिलकर इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना चाहिए और सुरक्षित रहने के उपाय अपनाने चाहिए।